हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आइशर मोटर के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीजन है, इसका जो नया प्लांट इनोग्रेट हुआ था कुछ दिन पहले, इसमें जो मोमेंटम बना हुआ है ऑटो इंडस्ट्री जो है, जो ऑटो इंडस्ट्री है आने वाले टाइम में 2021-2022 जो है ऑटो इंडस्ट्री का रहने वाला है। तो ये दिग्गज शेयर है और ये अच्छा मोमेंटम इसमें दिखा सकता है। क्या इसके अंदर डाउनसाइड बनती है, कितने इसके अंदर हम टारगेट्स ले सकते हैं उसको हम देखेंगे। क्या रिस्क है इस लेवल पर, किस लेवल पे इसे लेना चाहिए ताकि रिस्क कम से कम हो, रिटर्न सबसे ज़्यादा हो। सबसे पहले किसी को भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि फंडामेंटल सही होने चाहिए, तभी हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल सही नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं या फिर कोई डेट का इशू है, बैलेंस शीट सही नहीं है, तो फिर हम उस शेयर को साइड कर देते हैं, उसमें हम जाते ही नहीं है, टेक्निकल कितने भी अच्छे हों। तो टेक्निकल ब्रेकआउट महीने दो महीने के लिए स्विंग ट्रेड करना है तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो फंडामेंटल सबसे पहले देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और आज पहले कैसे ट्रेड कर रहा है उससे पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, 10:40 हो रहे हैं और 2450-51 के आसपास ये काम कर रहा है, 0.18% के आसपास ऊपर है। तो आप देख सकते हैं 5 डे का भी चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ये काम करता हुआ नज़र आपको आ रहा है। और जो डाउन साइड इसने बनाई थी अभी जो रिसेंट 2355 के आसपास की बनाई थी, 100 रुपये यहाँ से डाउन, तो 2455 के आसपास ये अभी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है इसका, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 66,947 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और जो वॉल्यूम्स इसमें अभी चल रहे हैं 289 के आसपास के इसके अंदर वॉल्यूम चल रहे हैं। और जो डे लो है 2421 का है, डे हाई जो है 2475 का है। 52 वीक रेंज देखेंगे तो 1245 के जो कोविड के टाइम के इसने बनाई थी, और 2727 रुपये इसका हाई है। अभी देखिए प्रेशर में है स्टॉक, थोड़ा सा डाउन भी आ रहा है तो स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है। अभी इसकी रेशियो वगैरह हम चेक कर लेते हैं, क्या डेट वगैरह है इसके ऊपर, क्या सेल है, क्या इसके बैलेंस शीट बोल रही है। उसके बाद अगर ये फंडामेंटली सही स्टॉक लगता है फिर हम इसके टेक्निकल और ट्रेंड लाइन को जरूर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या सपोर्ट बन रहे हैं। ट्रेंड लाइन को जज करना बहुत जरूरी होता है, ट्रेंड लाइन ही होती है यहाँ पे स्मार्ट मनी आता है, और ट्रेंड लाइन के थ्रू ही एक मोमेंटम का पता चलता है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। और ट्रेंड लाइन का मतलब ही दूसरा है कि पैसा बनाना। तो मार्केट कैप जो है 66,858 करोड़ की है इस टाइम, डेट जो है 255 करोड़ का है, डेट इक्विटी रेशो 0.02 की है जो कि निगलिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए 0.02% जो है डेट इक्विटी रेशो कुछ भी नहीं है। और ROCE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6% का है, ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4% का है, ठीक है, इम्प्रेसिव है। जिस हिसाब से ऑटो इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से थोड़ा प्रेशर में है उसके हिसाब से इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। बुक वैल्यू 378 की है जबकि इसका प्राइस जो चल रहा है 2447 का चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.48% के आसपास है। इसकी अपनी एक मोनोपोली है और एक ब्रांड है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम पे रहता ही है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो है 0.51% के आसपास की है, पर इसने कैपिटल इतना अप्रिशिएट करके दिया है इन्वेस्टर्स को कि डिविडेंड यील्ड की आपको देखने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर पड़ती। अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 200 DMA के ऊपर ये बना हुआ है जो कि बुलिश साइन है। इसने जो है 30 जून के आसपास 1833 का लेवल जब क्रॉस किया था तब ये इसके ऊपर बना हुआ है, जो एक बुलिश साइन है। क्वार्टरली रिजल्ट से एक और हम देख लेते हैं कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। दिसंबर 2017 में सेल्स जो थी 2270 करोड़ के आसपास की, जो सितंबर में जो है 2134 करोड़ के आसपास की सेल आई है। प्रेशर में है लॉकडाउन की वजह से, आप देख सकते हैं जून में जो थी 818 की थी, उसके बाद इम्प्रूव हुई है 2134 के आसपास जो कि मार्च के आसपास ये पहुँच गई है। तो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे और आगे आने वाला टाइम जो है और इम्प्रूव ये करेगा। OPM जो है किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 31% के हुआ करते थे, जून क्वार्टर में -8% और अब इम्प्रूव होकर 22% के आसपास पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 697 करोड़ जो दिसंबर 2017 में हुआ करता था वो 467 के आसपास है, और जो जून क्वार्टर था उसमें माइनस में थे, -62। पूरा इम्पैक्ट था लॉकडाउन का इसके ऊपर, कोई सेल नहीं थी ऑटो इंडस्ट्री में। नेट प्रॉफिट को अगर देखें 520 करोड़ के आसपास का दिसंबर 2017 में, जो कि डिक्रीज हुआ है, ये भी अगेन कोविड का ही इम्पैक्ट है। जून क्वार्टर देखें तो -55 था और सितंबर क्वार्टर देखें तो 343 के आसपास निकल कर आता है। इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है बुक्स के ऊपर, इसलिए आप देखिए
डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी आपको बिल्कुल निगलिजिबल दिखाई दे रहा है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। अगर ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स को देखें, दिसंबर 2008 में जो सेल हुआ करती थी 1717 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी, इंक्रीज होकर 9154 करोड़ की हो गई है। और 2019 में देखें तो इसका लाइफ टाइम हाई जो थी सेल्स थी 9797 करोड़, तो उससे अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 20 का, उसमें थोड़ी सी डाउन दिखाई दी है। ओपीएम जो थे 0% के आसपास काम कर रहे थे 2008 में, उसके बाद ये देखिए लगातार इम्प्रूव होते हुए 24% के आसपास ये अभी पहुंच गए हैं, और जो है 30% जो है 2019 के अंदर हुआ करते थे। सेल भी अच्छी थी और मार्जिन भी इनके अच्छे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है -6 हुआ करते थे 2008 में, जो कि 2183 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में हुए हैं। 2904 जो थे मार्च 2019 में थे, तो मार्च 2019 के डाटा देखेंगे तो सारा ही इनका अच्छा है। सेल्स भी लाइफ टाइम हाई पे थे, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ अच्छा था इनका। नेट प्रॉफिट जो है 63 करोड़ के आसपास थे पहले, जो 1827 करोड़ के आसपास अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 के हैं, और इसे भी देखेंगे तो मार्च 2019 में 2203 करोड़ के आसपास के इनके नेट प्रॉफिट थे। तो मार्च 2019 जो था जो क्लोजिंग थी 2019 की, वो अच्छी गई थी इनके लिए, काफ़ी अच्छी गई थी। और ईपीएस भी देखेंगे तो 80.75 था, जो कि अभी 66.91 के आसपास है। अगर इनकी डेट को देख लें, बुक्स के ऊपर डेट कैसी नज़र आती है, तो 166 करोड़ की जो थी 255 करोड़ की है, ये बिल्कुल ही निगलिजिबल है। और रिजर्व जो है 1076 से इंक्रीज हुए हैं 10292 करोड़ के आसपास हुए हैं। एसेट्स 2303 करोड़ के जो थे वो 12936 करोड़ के हो गए हैं। ये काफ़ी इंप्रेसिव है इनकी बैलेंस शीट जो नज़र आती है। जो डेट है बिल्कुल निगलिजिबल है, जो एसेट्स बने हैं बहुत अच्छे बने हैं, रिटर्न्स भी अच्छी हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 50.53 से थोड़ी सी डिक्रीज हुई है मार्जिनली, 49.25 के आसपास है, 1% का डाउन हुई है। एफआईआई की होल्डिंग भी थोड़ी सी डाउन है 32.13 से 28.16 के आसपास की इनकी जो है डाउन हुई है। डीआईआई 4.87 से इंक्रीज हुई है, आप देखिए 9.947 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी डिक्रीज है, बट ओवरऑल देखेंगे दिसंबर 2017 से तो इंक्रीज हुई है, लगभग 5% के आसपास इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट के पास 0.66 था, जो कि डिक्रीज होकर 0.15 के आसपास है, और पब्लिक के पास 11.82 था, जो कि ऑलमोस्ट उसके आसपास ही बना हुआ है, 12.50 के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओवरऑल अच्छा नज़र आता है, बैलेंस शीट ओवरऑल अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, मोट अच्छा है कंपनी का, कोई भी नया प्लेयर इतनी जल्दी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। आरओसी रेशियो आरओई रेशियो अच्छी नज़र आती है, डेट बिल्कुल नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो नहीं बिल्कुल नहीं है, डिविडेंड पे करती है कंपनी, और प्रमोटर होल्डिंग भी आपको अच्छी नज़र आ रही है। एफआईआई का स्टेक अच्छा है इसके अंदर, डीआईआई की भी इंटरेस्ट है, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है पहले से अपना, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लीडरशिप है इसकी अपनी कंपनी की, तो फंडामेंटली इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ थी जो आप देखेंगे, 23 दिसंबर की न्यूज़ है, 10:30 की जो लास्ट अपडेट हुआ है। वोल्वो ये कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना एक नया प्लांट जो है भोपाल में, आप देख सकते हैं, वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनोग्रेटेड इन भोपाल। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल हैज बीन इनोग्रेटेड ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। द कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स कमर्शियल ऑपरेशन एट इट्स न्यू स्टेट ऑफ आर्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट बगरोदा भोपाल। दिस इज द 8th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ वोल्वो आइशर of Madhya Pradesh and has been set up with Industry 4.0 standard. The facility was inaugurated by the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan by flagging of new trucks rolled out by the facility. आप देख सकते हैं Chief Minister यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, inaugurate किया है इन्होंने, और ये नया प्लांट है, यहाँ से रिवेन्यू इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे, एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से, तो जैसे जैसे रिवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। द कंपनी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर देन 100 इंसुलरी एंड अदर सप्लायर्स फॉर सप्लाइंग द पार्ट्स रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। एज ए रिजल्ट बीईसीबी हैज जनरेटेड डायरेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओवर 30,000 पीपल इंक्लूडिंग सप्लायर्स एंड एसोसिएट। आपको पता है जब एक प्लांट लगता है तो उसके साथ साथ उसकी एक्सेसरीज और उसकी एंसिलेज प्लांट्स भी लगते हैं जो उसको सप्लाई करते हैं, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में ये काफ़ी जो है रोजगार इनको मिल सकता है, जो एम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी जनरेट करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्पेंस ओवर 147 एकड़ ऑफ लैंड हैज एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 40,000 ट्रक्स पर एनम विच वुड बी स्केलेबल अप टू 1,00,000 ट्रक्स पर एनम। 40,000 की कैपेसिटी अभी है जो कि एक्सपेंड किया जा सकता है और
1 लाख पर एनम तक इसे ले जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ इनोग्रेट करते हुए शिवराज सिंह चौहान। तो ये न्यूज है, आने वाले टाइम में अच्छा इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और काफी मल्टीबैकर ये कंपनी रही है। अब इसके हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, जीरोधा का चार्ट है, वनडे का चार्ट है, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखेंगे कैसे ये ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, क्या सुपर ट्रेंड कह रहा है और क्या RSI MACD कह रहा है। पहले हम RSI और MACD को देख लेते हैं, RSI क्या कह रही है उसको देख लेते हैं, किस लेवल पे ये है, ओवरसोल्ड ओवर जोन में है या नहीं है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 48.93 के आसपास है, ना तो ये ओवरसोल्ड जोन में है ना ही ओवरबोट जोन में है। तो ये जो लेवल आता है, इस लेवल को आप देखिए, इस लेवल के आसपास मोस्टली जो है ये स्टॉक कई बार रिवर्स किया है। तो ये अभी थोड़ा सा डाउन इसके अंदर बनता है, थोड़ा सा डाउन ये आ सकता है मार्केट के साथ साथ, करेक्शन हो सकती है इसके अंदर, एक टाइम करेक्शन भी इसके अंदर बनती है, तो उसके बाद ये जंप कर सकता है। RSI ओवरबोट ओवरसोल्ड जोन में बिल्कुल भी नहीं है। और MACD को भी हम एक बार चेक करते हैं, MACD क्या कह रहा है। RSI को मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर दिया था इसने ऑलमोस्ट हमें 1 दिसंबर को दिया था, जब प्राइस चल रहा था 2584 रुपये का इसने हाई बनाया था, और अभी प्राइस जो है 2445 रुपये के आसपास का चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर इसने दिया था एग्जैक्टली, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ नीचे आ रहा है। तो करेक्शन इसके अंदर बनती है थोड़ी सी, RSI भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और थोड़ा सा करेक्शन होने से बेस अच्छा बनता है। ट्रेंड लाइन पे भी हम देखेंगे इसे कैसे ये काम कर रहा है। अभी हम इसे सुपर ट्रेंड में देख लेते हैं कि ट्रेंड कैसा है इसका, बेसिकली ट्रेंड जो है वो तो नहीं बिगड़ गया है। तो ट्रेंड आप देखेंगे यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इसका, जो सुपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 28 मई के आसपास स्टार्ट हुआ था, 1504 रुपये का जब इसने लो बनाया था, और उसके बाद से देखिए ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है और बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ पर जरूर इसने एक बार 2-4 दिन के लिए जो है बाय सेल सिग्नल दिया था, बट अगेन इसने बाय सिग्नल दिया और देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है। जब तक इससे नीचे जो क्लोज नहीं करता है, 2380 रुपये के प्राइस से नीचे से क्लोज नहीं करता, तब तक इसका ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2380 रुपये का प्राइस आप लेके चल सकते हैं। अगर हम पैराबोलिक सार को भी देख लेते हैं, पैराबोलिक सार क्या कह रही है। पैराबोलिक सार जो है वो आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर शो कर रही है, जो कि रेजिस्टेंस आपका बनता है 2500 रुपये के आसपास का। इसके ऊपर ही अगर निकलता है तब ये स्टॉक थोड़ा सा बुलिश मोड में जाने के चांसेस हैं। बोलिंजर बैंड भी देखेंगे हम, बोलिंजर बैंड जो है अब बुलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर एंड के आसपास ये स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल आप इसने जो है बुलिंजर बैंड का लोअर एंड जो है आप देख रहे हैं 2393 रुपये के आसपास का है, कल जो इसने स्टॉक ने जो लगाया था लगभग इसने 2382 रुपये का लो जो बनाया है, उसके बाद ये ब्लिंजर बैंड के लो रेंट पे काम कर रहा है। जब भी स्टॉक ब्लिंजर बैंड के लो रेंट पे आता है, आप देखिए यहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद अच्छा एक मूव दिखाता है और हायर एंड पे जाता है। जो हायर एंड बनता है ब्लिंजर बैंड का 2610 रुपये के आसपास का बनता है, आप देख सकते हैं 2610 रुपये 2612 रुपये, तो बिल्कुल अपने लो रेंट पे है। थोड़ी बहुत करेक्शन और हो सकती है इसके अंदर, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है 2400 रुपये तक, और उसके बाद ये अच्छा मूव ऊपर भी दिखाता हुआ नजर आएगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए, जब भी ये लोअर बैंड के ऊपर आता है, यहाँ पर लोअर बैंड पर आया, यहाँ से इसने पुश बैक किया और अगेन अपर बैंड पर गया है, यहाँ पर लोअर बैंड पर आया अगेन ऊपर गया है। आप पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, यहाँ पर लोअर बैंड पर आया है और यहाँ से फिर ये ऊपर गया है अपर बैंड की तरफ। तो अभी ये लोअर बैंड पे चल रहा है और अच्छा चांस है इसे अकोमोलेट किया जा सकता है। दिग्गज कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी हम इसे ट्रेंड लाइन से पहले हम इसके पिवट लेवल को भी देखेंगे। जो पिवट लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर पिवट पे ही सपोर्ट लिए हुए है, देखिए बिल्कुल इसके अराउंड ही काम कर रहा है, तो एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पिवट लेवल के आसपास ही इसने काम किया है, और उसके बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ थर्ड रेजिस्टेंस तक भी किया है, उसके बाद पिवट लेवल के आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा है। तो ओवरऑल अच्छा इसका चार्ट नज़र आता है। और एक बार हम इसका ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। ट्रेंड लाइन के लिए हम एक बार वीकली चार्ट लेते हैं, और लॉन्ग टर्म की भी हम एक बार इस पर ड्रॉ करके देखेंगे ट्रेंड लाइन, तो कहाँ पर सपोर्ट इसका नज़र आता है और कहाँ पर इस रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं वो हम देखेंगे। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले हम इसका लोअर एंड देखते हैं, लोअर एंड जो बनता है इसका, यहाँ पर लोअर एंड बनता है। अगर इसको मैं इस एंड से मिला देता हूँ, अब देख पा रहे हैं
ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है और एक ऊपर के ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर, इसको मैं इस वाले हाई से कनेक्ट करूँगा। आप देख पा रहे हैं एक चैनल के अंदर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, सपोर्ट ये इस लाइन के ऊपर ले रहा है और धीरे धीरे ये यहाँ से इस टाइप से मूव कर रहा है, इस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो एक लाइन हम लेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये जो इसने हाई बनाया था, इस हाई को हम कनेक्ट करेंगे, इस हाई से इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमें क्या नजर आ रहा है, अब देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, यहाँ पर स्टॉक नीचे आया, एक ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया और फिर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद जब इस वाले कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया तब ये ऊपर जा रहा है। और अब जो सपोर्ट ले रहा है वो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लाइन का पहले से भी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इसका इंपॉर्टेंस रहा है। अब यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे 2016 में भी इस लाइन को कनेक्ट किया है, इस लाइन पे कनेक्ट, अब देखिए एक बार, दो बार, तीन बार डिस्टेंस फेस किया, चौथी बार में इसने क्रॉस किया है और पांचवी बार ये इसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है किसी भी वजह से, ये 2351 रुपये का ये लेवल बनता है, आप देख पा रहे हैं ये 2351 रुपये के, 2340 और 2350 रुपये के आसपास की लाइन बनती है जो कि इसने कल परसों में भी टेस्ट किया था। तो ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल के आसपास बिल्कुल आता हुआ आपको नज़र आएगा जो कि एक शार्प करेक्शन होगी इसकी 2200 रुपये के आसपास की, बट इसके ऊपर ये आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो। अभी इमीडिएट सपोर्ट इस लाइन के ऊपर है इसका। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने हाईज को, आप देखिए जब मैंने इन हाईज को कनेक्ट किया है, इन हाईज को कनेक्ट किया है तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी भी जो रेजिस्टेंस लिया है इसने, बिल्कुल वहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है, आप देखिए ये वीकली चार्ट पर। और अगर इसे मैं मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर ले, डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको ये इस टाइप से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था 2017 में, उसके बाद अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 2018 में जो ट्रेंड लाइन पे है, और अगेन ये उस ही लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसको इसने अगेन ऊपर क्लोजिंग दी, बट अगले दिन इसमें प्रेशर आया, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये लाइन जो है पुरानी लाइन एक मैंने ड्रॉ की है हाईज को कनेक्ट करते हुए। तो अगर ये इस लाइन से ऊपर क्रॉस करता है तो एक रेजिस्टेंस इसका ये बनता है, सेकंड रेजिस्टेंस इस लाइन के ऊपर अगर देता है तो अच्छा मूवमेंट बन सकता है, अदरवाइज ये इस चैनल में भी चल सकता है। और नीचे का जो आपको मैंने बताया क्लियरली, एक मिनट इसको हम दोबारा, और नीचे का जो बनता है जैसे मैंने आपको बताया ये जो है सपोर्ट जोन बनता है इसका क्लियर, और इसके नीचे ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये ओवरऑल इसका ट्रेंड है, आप देख सकते हैं एक तो बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के ऊपर, ये लेवल आप क्लियरली देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो लेवल है लगभग 2658 रुपये के आसपास का जब ये जो लेवल बन के आ रहा है देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है पहला, कल भी इसने इसे ब्रेक नहीं किया था और उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल के ऊपर आएगा जो कि आपका 2240 2250 के आसपास का लेवल बनता है। तो
अच्छा इसका अभी चार्ट पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल एक पैटर्न में चल रहा है, और ये हो सकता है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे, और अगर सपोर्ट है तो इसको अगर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर ट्रेडर्स हो तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप इस लेवल के ऊपर। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इस लाइन के ऊपर आके ये सपोर्ट लेगा, तो पहले भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, आपने देखा यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद इस लाइन पे सपोर्ट लिया है, अगेन अगर इसे ब्रेक करता है तो हो सकता है ये यहाँ पर कंसोलिडेट करे और यहाँ पर आके सपोर्ट ले और अगेन ये फिर ऊपर जाने की ट्राई करे। ऊपर का जो रेजिस्टेंस बन रहा है इस लाइन से, ये पुराना जो रेजिस्टेंस इसका चलता आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, इसका रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है, जैसे पहले इसने इस लाइन को क्रॉस किया, आप देखिए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था 1, 2, 3, 4, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया अच्छे वॉल्यूम के साथ, और अब इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस फेस हो रहा है पुराना, और ये इसका सपोर्ट है, इमीडिएट जो सपोर्ट है इस लाइन को आप देख सकते हो, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जैसे इसको ब्रेक करता है इसके ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है, और जैसे इसके ऊपर ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट इसको देखने को मिलेगा। द्वारा आप इसे डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हो, वो वीकली चार्ट था इसलिए आपको थोड़ा सा लाइंस कम नज़र आ रही थी, इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका मूवमेंट रहा है। आप देखिए इस टाइप से एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, आप देखिए इसको और थोड़ा सा बड़ा किया है, इस टाइप से काम कर रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, जो पुरानी लाइन चल रही थी उसी के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से इसको पुश किया गया नीचे की तरफ और ये पुश हो रहा है। अब इस लाइन के ऊपर ये पहला सपोर्ट लेगा, अगर पहला सपोर्ट ले लेता है तो बहुत बढ़िया है, अगर इसको किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक करता है तो ये लाइन जो है नेक्स्ट इसकी जो है ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर आके ये सपोर्ट लेगा। तो अभी इसके ऊपर बने रह सकते हैं और अच्छा इसके अंदर चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए और अच्छे ये टारगेट्स आपको देगा। जैसे जैसे कंसोलिडेट हो रहा है अच्छा बेस बना रहा है, और इस लाइन के ऊपर इसे क्लोज होना जरूरी है अगर इसे आगे बढ़ना है तो, अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और इसको ऊपर बढ़ने से रोकेगी। तो नियर टर्म में रेजिस्टेंस हो सकते हैं और सपोर्ट जोन आपको मैंने बता दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो अगर पहले का भी चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊं, जैसे पहले किस चैनल में काम कर रहा था, ये आप यहां से ड्रॉ करेंगे, एक बार इसे वीकली चार्ट ले लेते हैं, सेम इसका चार्ट पैटर्न अब दोबारा बन रहा है वैसा ही। अब देखिए यहां से लिया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया इस टाइप से, अब देख पा रहे हैं इस टाइप से, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ पर लिया, और जैसे इस लाइन को ब्रेक किया तो ये नीचे चलना स्टार्ट हुआ है। और अगर ऊपर का मैं लगाता हूँ, जो ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट सेम इसका जो पैटर्न है, जो पहले बन रहा था वही पैटर्न इसने दोबारा बनाना स्टार्ट किया है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं, आप इस वाली लाइन को और भी अगर स्मूथ करना है तो यहां से भी लगा सकते हैं इसे, ये जो इसने यहां लो बनाया था यहां से उठाइए और इसको इस टाइप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सपोर्ट लिया, शेयर ऊपर गया, अगेन इस लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, इस लाइन पे द्वारा इसने सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, और यहाँ इसने ब्रेकआउट करने की ट्राई की बट नहीं कर पाया, नीचे आया, इस लाइन पे फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नहीं कर पाया, नीचे गया, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही आप देखिए बिल्कुल ये नीचे आया। उसके बाद इसने इस लाइन पे काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट आया, इसका रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और अब ये इस चैनल पे चल रहा है, ये इसका सपोर्ट जोन बन चुका है, क्योंकि 4-5 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, अब ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है। और ये रेजिस्टेंस जोन है, इसने यहाँ पर भी इसे क्रॉस करने की ट्राई की थी नहीं कर पाया था, यहाँ क्रॉस करने की ट्राई की थी नहीं कर पाया था, इसलिए ही ये नीचे गिरा था, और ये यहाँ पर ये अगेन वही ट्रेंड लाइन इसकी अभी भी पुरानी चलती आ रही है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। सपोर्ट जोन ये बनता है, रेजिस्टेंस जोन ये बनता है, इसको अगर तोड़ता है तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसकी सपोर्ट जोन बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद।